पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। इंडियन आइडल पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द एवरग्रीन स्टार नूतन जी को उनके बेटे मोहनीश बहल के साथ। ये तो सच है कि भगवान है, वो भगवान जिसका नाम माँ है। माँ का आंचल, माँ की दुआओं का असर है जिंदगी। माँ की कोख से माँ की गोद तक का सफर है जिंदगी। वो साथ चलती है मेरी, मेरी परछाई जहां जाती है। माँ खुद में ही पूरी दुनिया है, माँ दुनिया से कहां जाती है। वाह 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 वाह। ना शोहरत की चकाचौंध ना बुलंदियों के आसमान से है, इस मोहनीश का मोह सिर्फ अपनी माँ से है, सिर्फ अपनी माँ से है। वेलकम 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 टू इंडियन आइडल। और दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज हम बॉलीवुड की उस अदाकारा का जश्न मना रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले सबसे ज्यादा 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया और हर किरदार को कुछ यूं निभाया कि उनके बाद भी बॉलीवुड में लाखों चेहरे आए पर कोई चेहरा नूतन ना बन पाया। छोड़ दो आजकल जमाना क्या। तो प्लीज एवरीबॉडी प्लीज गिव इट अप, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है, नन अदर द लेजेंड नूतन जी। अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। माँ हमेशा मुझे कहती कि इसके ऊपर विग पहना दो तो मेरे जैसे लगे। हाँ श्रेया मैम से यस। तो अभी भी कोशिश है, कभी कुछ कर लूँ शायद। उन्होंने मुझे क्या कहा था जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, शी सेड मेरी नाक बहुत लंबी है, कदम संभाल के रख ली। पहली बार मेरी माँ को इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, वो भी एक म्यूजिकल शो में। सो आई थैंक यू ऑल। एक दौर था जब बॉलीवुड की हर बड़ी एक्ट्रेस शादी के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया करती थी और नूतन जी ने भी कुछ यही करने का सोचा। लेकिन तब उनके पति इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल जी ने उनसे कहा कि अगर तुम पेंटर होती तो शादी के बाद पेंटिंग थोड़ी छोड़ देती। क्या बात, रैकिंग क्यों छोड़ रही हो। अपने पति के सपोर्ट से शादी के बाद भी नूतन जी ने बॉलीवुड को कई यादगार फिल्म दी और उनमें से ही कुछ एवरग्रीन फिल्मों के गाने परफॉर्म करने आ रही है वो जिनकी आवाज कोहिनूर से भी ज्यादा नायाब है। एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आद्या मिश्रा। मन मार हूँ उस पार, वो
Nadia, aapki voice, I don't know. She has this quality in her voice which is this certain rawness, coarseness in that voice, and it's very touching. Bahut wo chhu jata hai. It's very nice. There's something very. ये गाना इतना खूबसूरत गाना है मैंने बस लता जी की आवाज में सुना है कभी नहीं सोचा था कि आद्या भी गाएगी तो भी इतना खूबसूरत लगेगा और ये वाला गाना ओरे मांझी एसडी बर्मन साहब के कॉम्पोजिशन ही का गाया हुआ है इन गानों में एक इंटरनल पुकार है जब ऊपर के नोट्स लगते हैं तब ऐसा लगना चाहिए कि वो रेजोनेट हो रहा है ऐसा नहीं कि इस कमरे तक सीमित है दैट इज द क्वालिटी ऑफ फोक म्यूजिक वो कहीं ना कहीं मुझे अंतरे में मिसिंग लग रही थी बट मुखड़ा बहुत कमाल गाया तुमने जो जो बोला उस पे ध्यान दो थोड़ा सा क्योंकि टॉप 10 में आना एक खाने की काम नहीं है समझ गया ना गॉड ब्लेस यू दोस्तों आज नूतन जी के जश्न में मोनीश जी के साथ साथ उनका पूरा परिवार यहाँ शामिल हो रहा है तो जोरदार तालियां हो जाए फॉर आरती बेल द वेरी गॉर्जियस एंड टैलेंटेड प्रनूतन बेल एंड कृषा बेल मोनीश जी नूतन जी की शादी लेफ्टिनेंट नेवल कमांडर रजनीश बहल जी से हुई दिल की नजर से नजरों की दिल से ये बात क्या है सर इस प्रेम कहानी के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे ये सीक्रेट है तो हाँ, तुम और जानना चाहेंगे वो कैसे मैं भी जानना चाहता हूँ वो कैसे मिले हाँ, हाँ. मेरे वालदैन मुझे पता नहीं कि मैंने उन दोनों को भी पूछा बोलते नहीं सीक्रेट है लेकिन मैंने अपना अपना खुद का एक नरेशन निकाला हुआ है आई टेल यू बिकॉज आई हैव कनेक्टेड द डॉट्स जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते ना वैसे कनेक्टेड द डॉट्स किया सी मेरे फादर जो थे वो रॉयल नेवी में थे ब्रिटिश में तो पोस्ट इंडिपेंडेंस वो आ गए इंडियन नेवी में सर्व करने के लिए यूके से अ फिल्म वॉज बींग शॉट छबीली शिप पे तो मुझे लगता है कि उनकी मुलाकात वहां पे हुई और ये खुफिया लव स्टोरी वहां से शुरू हुई आई एम श्योर जब मेरे फादर आए उनकी मतलब मुलाकात हुई वगैरह वगैरह तो वो शुरू में ये अब ये सच पार्ट है हाँ. शोभना नानी ने कहा कि चलो तुम दोनों ड्राइव पे चले जाओ तो मेरे डैडी के गाड़ी में गए थे ड्राइव के लिए हाँ. तो जब वापस आई तो मम्मी को पूछा हाउ इज द ड्राइव तो बोलती हैं कि रजनीश की गाड़ी में हर एक चीज आवाज करती है एक्सेप्ट हॉर्न But they hit it off and they bonded. He didn't know. उनको नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी सुपरस्टार है क्योंकि वो आए थे नेवी से और वो भी रॉयल नेवी से विशाल भाई तो they don't know. They're not connected. 6 fellowships in engineering. उनकी qualifications ये थी. Wow. We're high overachiever. पता नहीं मैं anyway खैर भूल जाते. I remember him telling me कि जब उनको पता चला कि उनको एक फिल्म में कितनी तनख्वाह मिलती है उन्होंने ये मुझे कहा कि मैंने क्या कर दिया भाई हाउ डू आई लुक आफ्टर हर हु कैन अर्न दैट मच ऑन माय नेवल ऑफिसर सैलरी एंड शी अंडरस्टूड दिस तो उन्होंने क्या किया वो उनकी वो गाड़ी ले जाती थी शूटिंग पे ना कि अपनी वेल्थ पे क्या बात वाह वाह और हाँ दिस इज ट्रू वाह 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 और जो घर का खर्चा था ये मुझे उन्होंने बताया वो उनकी तनख्वाह से निकाला जाता था क्या बात वाह दोस्तों कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती है लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी होती है जो अपना एक अलग आसमान बनाती है और एक ऐसी ही जोड़ी थी देवानंद साहब और नूतन जी की भले इन दोनों ने सिर्फ 4 फिल्मों में साथ में काम किया पर वो चारों की चारों फिल्म मंजिल पेइंग गेस्ट बारिश और तेरे घर के सामने हिट से ज्यादा लिट रही पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें